वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। आज तेलुगु और हिंदी दोनों बच्चों के लिए तेलुगु और हिंदी दोनों में बताती, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तेलुगु और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करते में दोनों लैंग्वेज बच्चे सुन सकते, ठीक है। पहले तेलुगु में वर्णमाला सीखेंगे, इससे पहले आप हिंदी में वर्णमाला सीखना। सो फस्ट तेलुगु मन वर्णमाल नेता क्या लिखते हैं स्वर, उसे तेलुगु में अच्छुलू अंटर। सो अच्छुलू तेलुगु में लिखती मैं पहले आ आ ई ई उ उ अभी इसको हिंदी में बताती। हिंदी में देखिए आ अ ई ई उ उ ये दो रू को मिलके एक ही रहता है इसमें, तो वो है री। रू नहीं बोलते हिंदी में, री ए ए आई, इन तीनों को मिला के दो ही लिखेंगे हम, ए आई। तो ये दोनों का मिला के ये अक्षर है, आई का ये अक्षर है। ओ ओ औ, ओ औ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ओ औ दोनों को मिला के ओ औ, औ को औ भी लिखेंगे। तो तेलुगु में ए ए आई अने मूडु अक्षरालु वस्तायि, कानी हिंदीलो ए ऐ वस्तुंदि। ओ ओ औ लो ओ औ मात्रमे वस्तुंदि। अम अह, अम अम को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अह ऐसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चे हिंदी में स्वर तेलुगुलो अच्छुडु, तेलुगुलो अच्छुडु रेंडु कलिपि। हिंदी में देखो, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखो, ओ अ इ ई उ उ रि ए आई ओ औ अम अह। तेलुगु चूद्दाम, आ आ इ ई उ उ रु रु ए ए आई ओ ओ औ अम अहा। दीन्नी हिंदीलो मात्राए अंटारु। तेलुगु में ओत्तुलु, हिंदी में मात्राए बोलते हैं। तो ये देखेंगे अब तेलुगु में आ आ ई ई उ उ रु रु ए ए आई ओ ओ औ अम अह। हिंदी में देखो अ अ ई ई उ उ
इपड़ तेलुगु चूद्दाम अब तेलुगु में देखेंगे हम आ को कुछ भी नहीं रहता तलकट्टु दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम कोम्मु कोम्मु दीर्घम वट्रसुडी दीर्घम एत्वम एत्वन दीर्घम ऐत्वम ओत्वम ओत्वम औत्वम सेम इदि अम इदि अह तो हिंदी बच्चे देखो तेलुगु में तलकट्टु दीर्घम गुड़ी गुड़ी दीर्घम ई है ना उ कोम्मु कोम्मु दीर्घम वट्रसुडि दीर्घम एत्वम एत्वन दीर्घम ऐत्वम ओत्वम ओत्वम औत्वम अम अह इपड़ इपड़ हिंदी लो चूद्दाम मनम अब हिंदी में देखेंगे आ आ को कुछ भी नहीं रहा आ ई छोटी की मात्रा बड़ा ई की मात्रा छोटी उ की मात्रा बड़ी उ की मात्रा री ए है ए की मात्रा ए आई की मात्रा ओ की मात्रा देखो आ के जो जोड़ है वही लिखे और आ के बाजू में कैसे हैं ऐसे है ना ए औ की मात्रा अब आ के ऊपर क्या है अनुनासिक अम ए आ के बाजू में एक क्या है विसर्ग तो ये अह तो देखिए इसमें बड़ा आ की मात्रा ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा रू की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा री की मात्रा ए की मात्रा आई की मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा अम की मात्रा अह तो देखो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है खाली यहाँ पे ए ए आई में हम लोग खाली ए आई लिखेंगे र र में री लिखेंगे हम ओ ओ औ में ये तीन अक्षरों में दो ही अक्षर लिखेंगे ओ औ चलो अब समझ में आया ना आप लोगों को अभी हम बारहकड़ी के बारे में सीखेंगे ఇప్పుడు మనం బారక్కడి బారక్కడి అంటే హిందీలో బారక్కడి తెలుగులో గుణింతాలు రెండు నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ బారక్కడి హిందీ మే జో బారక్కడి హై వో లిఖేంగే తో పహలే హై ఆ కి మాత్రా ఛోటీ కి మాత్రా బడీ కి మాత్రా ఊ కి మాత్రా ఏ హై రి కి మాత్రా ఏ హై ఐ కి మాత్రా ఏ హై ఐ కి మాత్రా ये है ओ की मात्रा ये है औ की मात्रा ए विसर्ग अनुनासिक ए विसर्ग तो देखिए ये बारहकड़ी लिखने का तरीका और तेलुगु में तेलुगुलो गुणितालु तेलुगु में गुणितालु बोलते हैं ये कैसे लिखेंगे देखेंगे पहले हम सीखे ना मुझे हमने चूँगा तलकट्टु दीर्घ गुड़ी छोटा ई की मात्रा दिए तो की काको बड़ा ई की मात्रा की
का को उ की मात्रा, का को बड़ा उ की मात्रा कु, का को रु की मात्रा क्रु, का को ए की मात्रा के, का का आई की मात्रा खाई, का को उ की मात्रा को, का को औ की मात्रा कौ, का को अनुनासिक, का का विसर्ग। तो देखिए इस तरह आसानी से हम लिख सकते हैं, आप लोग भी ट्राई करो, सेम ऐसे ही मात्राएं लिखो, उसके साथ जोड़ के लिखो, जो भी वर्णमाला के अक्षर है उसको जोड़ के लिख सकते हैं हम। तो और देखो गुणितालु, इदैते अंदर अर्थमैंदि कदा पिल्ललु, मनमु ई गुणित ई एमैते मात्रालनु नेर्चुकुन्नामो वीडिकि वर्णमालनु एदो ओक अक्षरं याड चेसुकुंटू वेल्लामनुको मन गुणितालु राडम ईजी। सो అవి తెలుగు మేదేకో, తెలుగు పిల్లలు చూడండి, తల కట్టు, కాకి తల కట్టిస్తే కా, కాకి దీర్ఘం ఇస్తే కా, కా గుడిస్తే కి, కాకి గుడి దీర్ఘం కి, కా కొమ్మిస్తే కు, కా కొమ్మిస్తే కు, కాకి రుత్వం క్రు, కాకి రుత్వని దీర్ఘం క్రు, కాకి ఏత్వం ఇస్తే కే, కాకి ఏత్వం ఇస్తే కే, కాకైత్వం ఇస్తే కై, కాకి ఓత్వం ఇస్తే కో, కాకి ఓత్వం ఇస్తే కో, కాకి ఔత్వం ఇస్తే కౌ, కాకి సున్న పెడితే కా, కహ। సో అర్థమైందా? సేమ్ బారకడిలోని గుణితాల్లో ఏం చేయాలంటే మనం మాత్రాలు ఒత్తులు ఏమైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని ఉపయోగించి ఈజీగా రాసుకోవచ్చు। సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను కా మాత్రతో ఇచ్చాను, సో ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది। ఓకే పిల్లలు, ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేస్తే చాలా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు, ఇదే మెథడ్లో మీరు ఫాలో అయ్యి మిగతా గుణితాలన్నీ నేర్చుకోండి। ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో।